डिस्काउंट दे देते, अभी ऑफ सीजन है यार, कोई आता ही नहीं है, खाली पड़ी है दुकानें है ना होटल्स। यहाँ पे दोस्तों शायद ना ये टूर्स हैं, तो अभी हम इनसे पूछेंगे और डिटेल्स, और वो हमें ये सब टूरिस्टिक पॉइंट्स पे ले जाएंगे। तो दोस्तों खाना तो हो गया, खाना बहुत बढ़िया था, और पैनकेक जो था बहुत ही ज़बरदस्त था भाई, मज़ा आ गया, सेटिस्फाई होने वाली बात होती है ना, तो बहुत अच्छा लगा यार। अभी हम देख रहे हैं सेंट्रो, अब जब सेंट्रो दिखाना चालू किया है तो इसको पूरा कवर कर लेते हैं, फिर कहीं और जाएंगे, आज पहला दिन है अपना। और ये देखो आप, यहाँ पर आपको स्विस आर्किटेक्चर दिखेगा, पूरा जो ये जो सिटी है हिल स्टेशन, जैसा मैंने बताया था ये ब्राज़ील का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं और अलग अलग प्राइजेस में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे बताया गया था कि ये जो सेंट्रो एरिया है, यहीं पे वो जो टूर्स हैं वो सेल करते हैं वो लोग, तो आप कुछ पे करेंगे और वैन से वो लोग घुमाने ले जाएंगे। भारत के हर टूरिस्ट स्थल पे होते हैं, है ना, शिमला विमला चले जाओ कहीं पे भी, वो घुमा के भैया ये पॉइंट्स है सिटी के घुमा के ले आएंगे आपको 3-4 घंटे में, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो दोस्तों यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से ना आइसक्रीम फेमस है, याद है हम लोग ट्रेन से गए थे कुर्तिवा, वहाँ पे कुर्तिवा नहीं गए थे ट्रेन से, ट्रेन की सफ़र करी थी हमने कुर्तिवा से मोहैचेस, तो वो शायद मोहैचेस में भी आइसक्रीम फेमस थी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लेदर के चीज़ों की एक स्टोर है, कोरो का मतलब होता है लेदर, ये देख सकते हो, सब कुछ सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, शूज़ भी हैं, बैग्स भी हैं, जैकेट्स भी हैं, है ना, और ये प्राइस तो बहुत ज़्यादा ही होगी, जैसा आप देख सकते हो 199। यही सब चीज़ें होती हैं, अब जैसे नॉर्थ में जाते हो इंडिया के तो आपको यही सब शॉप्स मिलेंगी, स्टोर्स, वैसे ही है ये जो जगह पे हम आए हैं, हिल स्टेशन है ठंडा, ये समझ लो मैं शिमला में घूम रहा हूँ ब्राज़ील के। तो दोस्तों वो जो लेदर का स्टोर देखा था उसके बाजू में एक और स्टोर है, यहाँ से आप कैंपस दो जॉर्डाओं की मेमोरीज ले सकते हैं, यादें, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आई लव कैंपस दो जॉर्डाओं, ऐसी ये सब जो चीज़ें मिल जाएंगी, और रेट्स बहुत बढ़िया है, जैसे 3 है वो 10 का है, तो रेट्स काफ़ी बहुत अच्छे लगे मुझे, तो ये सब चीज़ें आप जो हैं यहाँ पर आके ले सकते हैं। मैं जब ट्रैवल करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ तो मैं कोई बस ऐसे ही नहीं दिखाता, थोड़ा बहुत मैं डिटेल में दिखाता हूँ कि भाई आप एंजॉय करने आए हो, और अगर खाना खाना है तो भी ऑप्शंस हैं, और ऐसा कुछ ख़रीदारी करनी है मेमोरीज़ की तो मैं पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक अगर लेंगे कीचेन आप तो 5 की है, 3 लेंगे तो 12, बहुत बढ़िया रेट है, मैं भी अभी यहाँ से लेने वाला हूँ। टी शर्ट्स भी हैं यहाँ पर, कैंपस दो जॉर्डाओं लिखा हुआ, और ये मुझे बहुत बढ़िया लगी यार, ये जो कैप है ना बहुत ही कलर, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार, बिल्कुल यूरोपियन कलर्स हैं सब। तो अभी यहाँ से हम लेंगे और निकलेंगे, और आपको एक छोटा सा टूर दे देते हैं, ये सब चीज़ें भी हैं, कप वप हैं यहाँ पे, काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं। Yeah, my sister, you're
तो दोस्तों कंपोज द जॉर्डाओं का सेंट्रो जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने कुछ सामान लिया है और रेट काफ़ी अच्छा था। साओ पाओलो में बहुत महंगा है यार। कुर्तिबा में फिर भी ठीक ठाक था रेट, साओ पाओलो में तो भाई कीचेन लेनी है ना साओ पाओलो लिखी, ये सब चीज़ें बहुत महंगी है भाई, क्या बताऊँ तुमको। यही चक्कर होता है बड़े शहरों में। अभी ये देखो यहाँ पे एक पार्क है, फिर ये है जो होता है जो बोलते हैं, मेरे को तो भाई पता नहीं है, जाइंट व्हील बोलते हैं शायद इसको, है ना, मेरी अंग्रेजी थोड़ी यहाँ आके ख़राब हो गई है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं स्टोर्स हैं क्लॉथ के, और ठंड के कपड़े भी मिल जाएंगे। ये हिल स्टेशन है तो ठंड के कपड़े भी मिल जाएंगे आपको यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कुछ जो हैं ये सब है। देखो अगर आप ये सब राइड्स करना चाहते हैं ना तो ये भी अवेलेबल है। वो बहुत महंगा है भाई, देखो आप 170 रियाल है एक बंदे का, ठीक है, उतने में बंदा दो दिन यहाँ रुक लेगा जितने में वो राइड करेगा। ये यहाँ पे देख सकते हो ये खड़ी है, तो बस देखो यहाँ पे भी है रेस्टोरेंट। भाइयों बहनों यहाँ आके ना मुझे वो महाबलेश्वर वाला फील आ रहा है। महाबलेश्वर गए हो कभी? पुणे के पास है, हिल स्टेशन है, मैं बहुत बार गया हूँ, तो वही वाला फील आ रहा है शिमला महाबलेश्वर वाला, तो थोड़ा फन हो गया आज थोड़ा। तो देखा अगर मैं और आगे आता तो यहाँ पे वो बूफे भी हैं, तो और ऑप्शन है, तो ऐसे ही है, घूम फिर के पता चलता है। और मैं जैसे घूम रहा हूँ तो उससे आप लोगों को पता चल रहा है। थोड़ा सा और आप आगे आ जाएंगे सेंट्रो में तो और ऑप्शन है खाने के भी और ये सब खरीदारी के भी। ये देख रहे हो छोटा सा जैसे मार्केट जैसा है और गिफ्ट आइटम्स ही ज़्यादा है यहाँ पर। मास्क मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कप्स में नाम लिखा जा रहा था जो लोग ले रहे थे, और ऐसा मैंने एक जगह और देखा था जहाँ पे कीचेंस में नाम लिख रहे थे। ये जो सामने वाला स्टोर है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे रेट्स काफ़ी अच्छे थे, तो अगर आप आते हो तो ये स्टोर चेक कर सकते हो। मैंने कप यहाँ से ही लिए थे। तो दोस्तों ये जो है स्टोर, यहाँ से अच्छा खासा हमें डिस्काउंट मिल गया है, तो बस यहाँ से हमने ले लिया है एक ऐसा जो है कप लिया है मग और एक आध दो चीज़ें और लिया, तो बस हो गया भाइयों बहनों काम अपना। और कैसा होता है ना डिस्काउंट दे देते, अभी ऑफ सीज़न है यार, कोई आते ही नहीं है, खाली पड़ी हैं दुकानें हैं ना होटल्स यहाँ पे। दोस्तों शायद ना ये टूर्स हैं, तो अभी हम इनसे पूछेंगे और डिटेल्स। वही कौन फंक्शन आप पास से हो? पास से दिमारू मार। हाँ सर। ये वाई लेवर आऊं जी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो ये इन जगह जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो सिर्फ दो चार जी प्राता पे रुकती है और यहाँ पे रुकती है दो जगह। तो यार सिर्फ दो जगह रुक के मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ, हम और देखेंगे और जगह। तो दोस्तों यहाँ पे ना काफ़ी सारे स्टोर्स हैं और बहुत बढ़िया यार, लेदर का सामान चाहिए हो, कुछ ठंड के कपड़े चाहिए हो, काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर। मैं ना बहुत शॉपिंग करने वालों में से नहीं हूँ, मैं सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेता हूँ, और ऐसा है अपना थोड़ा, है ना, मतलब मैं उनमें से नहीं हूँ कि भाई गए और लेना ही है कुछ ना, ऐसा नहीं है मैं अपना, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो लेते हैं हम। तो दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे फेमस है वो है चॉकलेट। कंपोज द जॉर्डाओं में चॉकलेट भी फेमस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। De pronto, pues, ¿cuál es el país?
que a gente não vai, eu não vou cobrar nada seu não. तो दोस्तों वो जो ट्रिप थी वो एक आध घंटे की थी और उसमें कुछ 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 पॉइंट्स लेके जाएंगे और सिर्फ दो जगह रोकेंगे वो, तो साला क्या मतलब है है ना। मैं थोड़े ज़्यादा पैसे दे के ना एक बड़ा टूर ले लूँगा ना, जो लंबे समय तक का है, 5-6 घंटे का, वो मैं वैसा लेने का सोच रहा हूँ, तो उसमें मैं एक ही बार में सब कुछ घूम लूँगा। तो दोस्तों हम लोगों ने डन कर दी है अपनी एक ट्रिप जो है, और टूरिज्मो दा नामोंटाया करके है ये, ये देख सकते हो, ये इनका इंस्टाग्राम भी है। 50 रुपये पर पर्सन, सॉरी 50 रुपये निकल जाता है, 50 रियाल पर पर्सन, और वो हमें ये सब टूरिस्टिक पॉइंट्स पे ले जाएंगे। ओके, ये अराउंड 2.5-3 घंटे का है, 2.5-3 घंटे में वापस आ जाएंगे हम लोग घूम फिर के, वैन में जाएंगे बढ़िया, और यहाँ पे लेके जाएंगे जो सबसे ऊंचा है पॉइंट, ऐसे कुछ कुछ जगह हैं अभी हम जाके देखेंगे, बात करने से कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ से चल चल के अगर आ जाएंगे वही जो एरिया में था मैं, तो ये मिल जाएगा, इसके डिटेल्स और मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों हमारी जो वैन है वो आ गई है, यहाँ देख सकते हो आप, हमारे साथ दो लोग और हैं, वो फोटोग्राफर हैं वो लोग, और ये जो मैडम है सामने ये लेके जाएंगी हमें। तो दोस्तों बहुत बढ़िया कंफर्टेबल एसी वैन है, बहुत ही कंफर्टेबल है, सीट्स भी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये सही लगा मुझे। वो जो एक छोटी सी वो गाड़ी जैसी थी ना, वो ओपन, वो कम टूरिस्ट स्पॉट्स पर ले जाता और 30 रियाल ले रहा था, तो फिर मज़ा नहीं आता। मेरा 50 मिनट का ही था टूर वो, तो क्या मतलब था, मैंने कहा यार बड़ा थोड़ा टूर करो, ये कह तो रहे हैं कि 2.5-3 घंटे का है, देखो कहाँ तक कितना कैसा क्या होता है। और वो जो भाई है वो कह रहा था कि चिंता मत करो 90% टूरिस्ट स्पॉट्स कवर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ये कहो कि 40-50% में भी कवर होगा, बाकी और देखेंगे आगे कैसा क्या है। ये